हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे छोटे से चैनल रेलवे क्रिकेट्स में। आपका बहुत ही बड़ी न्यूज़ लेके आ गया हूँ सामने। देखिए, कट ऑफ से रिलेटेड क्या होता है कि पूरा हाईली कट ऑफ जाता है, लो कट ऑफ जाता है, और जो मीडियम कट ऑफ जाता है किसके बेसिस पे जाता है और किस 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 टाइप से जाता है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, पूरा का पूरा नोटिस दूंगा, पूरा का पूरा बता दूंगा कि किस किस जोन का क्या होता है। कट ऑफ लो जाएगा, हाई जाएगा, मीडियम जाएगा। अगर उस जोन के अकॉर्डिंग मैंने अगर जो बताया है वो अगर करेक्ट नहीं हुआ तो वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। फ्रेंड्स, पूरे का पूरा वीडियो देखिएगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड देखिएगा। अब मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बस ये बता दूँगा, जय माता दी, जय भोलेनाथ। बस यही आपको ध्यान में रखना है और पॉजिटिव थिंक लेके चलना है आगे, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा तभी आप अच्छा सोच सकोगे, कुछ अच्छा कर सकोगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी, ठीक है ना। तो मैं अच्छी से बता देता हूँ वीडियो में है क्या और आपको किस किस चीज़ों में बात करनी है। मैं आज ओवरव्यू बता दूंगा किस किस चीज़ों में मैं आज बात करूंगा। देखिए, यहाँ पर देख सकते हो आप, हाई कट ऑफ जोन जो है पूरा का पूरा जो 20 से जितने भी सारे के सारे जोन हैं, आपको मैं बता दूं कि 16 जोनों में से सारे के सारे एक्स्ट्रा भी बढ़ गए हैं, ये 17 जोन हो गए हैं। तो 17 जोनों में जो जो भी टोटल जो भी हाई कट ऑफ वाले जोन होते हैं वो कौन कौन से जोन होते हैं और जिसमें से बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ हो जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। जो भी ऑफिशियली जो जो बताया जा रहा है कि कट ऑफ जो 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 आ गई है, ठीक है ना, कट ऑफ आ गई है, लेकिन ऐसा भी मतलब क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है कहीं भी कि मतलब कट ऑफ आ गई है बोल के, ठीक है ना। तो मैं बता दूं कि जो भी कट ऑफ है अभी जो भी जो टॉप 5 स्टेट्स के बहुत ही ज़्यादा जाने वाले हैं। देखिए, अगर आपने चंडीगढ़ से भरा है फॉर्म और मुंबई से भरा है फॉर्म और इलाहाबाद से फॉर्म भरा है या गोरखपुर से फॉर्म भरा है या सिकंदराबाद से, इन 5 जो स्टेट हैं इनमें से अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपके लिए बहुत ही मुश्किलों के सामने करना पड़ेगा। इसलिए आपको जनरल का मैं बता दूँ, जनरल का बताने के बाद आप क्या ओबीसी एसटी एससी सभी का निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो मैं बता रहा हूँ कम से कम इसमें 60 से 70 के बीच जाती है आपकी कट ऑफ, ठीक है ना। तो बहुत ही बड़ी जोन है, इसमें आपके कम से कम 60 से 70 अगर नहीं आएंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा आगे आने वाले दिनों में, ठीक है ना। तो अभी बताया जा रहा है कि पीयूष गोयल द्वारा बताया गया है कि अभी और भी जो भी है वैकेंसीज आएंगी, तो वैकेंसीज को आपको ध्यान रखते हुए वो भी देख लेना है और वो भी जरूर से जरूर उसको फॉर्म भरना है। क्योंकि अगर मान लीजिए, ग्रुप डी का नहीं होता है, आप क्या करते क्या करोगे कि सारे के सारी चीज़ छोड़ के बैठ जाते हो घर पे, ठीक है। छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। आपको नौकरी लेनी है तो पूरा लगे रहना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप कमेंट में जरूर बता सकते हो आपकी कि मतलब क्या फील कर रहे हो, मतलब किस टाइप के मार्क्स आए हैं, आपको जरूर ये बताइएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो मैं उसके अकॉर्डिंग में बता सकता हूँ कि आपके जो कट ऑफ है किस टाइप से जाएंगे, क्योंकि अगर वो अगर करेक्ट मैंने पहले भी बताया था कि जो आंसर की आएगी और जो भी मतलब नॉर्मलाइजेशन और रॉ मार्क्स होगा वो सारा से बिट में बना रखा हूँ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से भी रेड बनाया हूँ, ग्रुप डी का भी बनाया और एल पी सी बी टी 2 का भी बनाया, तो आप जरूर जाकर इसको चेक कर सकते हो। सारा का सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, नहीं तो आप मेरे चैनल में जाकर जरूर उसको विजिट करके जरूर देख सकते हो, ठीक है ना। ये हाई कट ऑफ जोन, देखिए हाई कट ऑफ जोन में चंडीगढ़ बहुत ही टॉप पे आता है, उसके बाद आता है मुंबई, क्योंकि बहुत ही क्या होता है कि ट्रैफिक वाला सोर्सेस होता है, ट्रैफिक ज़्यादा होता है यहाँ पे, यहाँ पे जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं पढ़ने वाले तो यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब बात करें इलाहाबाद का, गोरखपुर का और पटना भी इसमें इंक्लूडेड है, तो इलाहाबाद और गोरखपुर ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, तो दोनों सेम ही है। और सिकंदराबाद देखिए, सिकंदराबाद में भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ आता है, ठीक है। बात करते हैं, आप देखिए सेकंड मीडियम कट ऑफ जोन, जो मेन मुद्दा है हमारा मीडियम कट ऑफ जोन, जो मीडियम कट ऑफ जोन, इसमें भी कम से कम 55 से 60 के बीच अगर नहीं हुआ तो बताइए कि मुझे इसके बीच में होना ही होगा आपको। अगर इतना नहीं है तो आपको बहुत काम चांसेस बहुत कम, या मैं 55 से 60 नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे 55 से आप 65 पकड़ लो, क्योंकि इसके भीतर अगर नहीं हुआ तो इसमें मीडियम कट ऑफ जोन में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कोलकाता, चेन्नई, अजमेर, भोपाल, बेंगलोर। फर्स्ट की बात करें कोलकाता की, कोलकाता में क्या था मीडियम जोन क्यों होता है, क्योंकि ये यहाँ पे पॉपुलेशन है, लेकिन पॉपुलेशन उतना ट्रैफिक नहीं है, फिर भी मीडियम ट्रैफिक है, क्योंकि ये भी बहुत ही बड़ा कंट्री में, यहाँ पे बहुत ही बड़े स्टेट में आता है, इंक्लूड होता है हमारे भारत में, ठीक है। चेन्नई भी बात करें, चेन्नई में भी बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें फॉर्म जो होते हैं बहुत कम आते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्म भी कम ही भरा जाता है वहाँ पे, ठीक है। अजमेर की बात करें, यहाँ पर भी मीडियम कट ऑफ जोन जाने वाली है। भोपाल की बात करें तो भोपाल की भी कट ऑफ जाने वाली है कम। तो बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर की भी कट ऑफ जाने वाली है मीडियम। मीडियम की बात करें तो मीडियम में ये 5 जोन आएंगे आपके टोटल। तो 5 जोनों के अगर आपने एग्जाम दिए हैं तो जरूर आप हमें कमेंट में बता सकते हो आपके मार्क्स कितने आए, आप टोटल मार्क्स कितने आए, और जरूर इसको कमेंट करके बताइएगा कि शेयर करिएगा बातों को, ताकि मैं आपको जरूर बताऊँगा कि करेक्ट क्या है। बस जय माता दी करके आगे बढ़ना है और सक्सेस लेना है हमें, ठीक है।
तो इसके लिए मैं रोजाना मेहनत कर रहा हूँ, जितने भी अपडेट आते हैं सारे के सारे आपको पहले बताता हूँ सारे के सारे, तो वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए थर्ड में देखते हैं लो कट ऑफ जोन कौन कौन सी रहने वाली है। तो ये सबसे पहली बात बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो गुवाहाटी, मैंने यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, गुवाहाटी सबसे पहले, क्योंकि गुवाहाटी में क्या होता है कट ऑफ जोन बहुत कम होता है। कट ऑफ में इसमें क्या लो कट ऑफ होता है, आप 2013 का उठा के देख लीजिए, 2013 कट ऑफ उठा के देख सकते हो, वहाँ पे आप चेक वहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको 2013 का, उसमें कट ऑफ जोन कट ऑफ बहुत कम है गुवाहाटी जोन की। उसके बाद ये आती है भुवनेश्वर की, उसकी भी बहुत ज़्यादा कम होती है, नहीं तो ऐसे टिपिकली दोनों सेम ही है, लेकिन भुवनेश्वर और गुवाहाटी में अंतर समान है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। रांची और पटना की बात करें तो पटना भी क्या होता है कि पटना भी मीडियम कट ऑफ जोन में आ जाएगा, क्योंकि ये भी इसमें भी क्या होता है कि लो कट ऑफ जोन नहीं आने वाली, पटना भी मीडियम कट ऑफ जोन में आएगी, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पटना में भी कम से कम गोरखपुर या बिहार के जितने भी हैं सारे के सारे आगे फॉर्म भरते हैं, क्योंकि इनको पता है लो कट ऑफ जोन आगे गई है तो इस बार भी जा सकती है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे फील जो भी फीलिंग है अपने जरूर शेयर करिएगा हमें कमेंट द्वारा, जरूर हम मेहनत करेंगे आपको उसके जितने भी आपके क्वेरीज है सारे के सारे क्लियर करने के। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जरूर देख लीजिए फ्रेंड्स, अगर डॉक्यूमेंट आपके अगर मान लीजिए क्लियर होता है ग्रुप डी में, अगर आपके डॉक्यूमेंट अगर क्लियर नहीं हुए तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, डॉक्यूमेंट जरूर देखिएगा। डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए हमने चैनल में लिंक देंगे, तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में लिंक देंगे तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एलपी के लिए भी ग्रुप डी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा वो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।